चलिए आज अब हम पढ़ेंगे अर्थ के लेयर क्रस्ट मेंटल और कोर के बीच। कोर हमारा निकल और आयरन का बना होता है, बहुत ही हाईली प्रेशर में रहता है, बहुत ही डेंस है, बहुत ही घना है, घनत्व उसका ज़्यादा, घना घनत्व उसका घनत्व ज़्यादा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे कि कौन कौन से सेस्मिक डिसकंटिन्यूटी है, यही पढ़ाने के लिए मैंने ये आर्टिकल रखा है कि सेस्मिक डिसकंटिन्यूटी क्या होती है, मोहोर की डिसकंटिन्यूटी क्या होती है, कहाँ पर जो अलग जो डिसकंटिन्यूटी है, ग्यूटेनबर्ग की डिसकंटिन्यूटी कहाँ की डिसकंटिन्यूटी कहाँ कहाँ पर है, और उन्हें लर्न और याद रखने का क्या क्या तरीका, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे अर्थ के लेयर्स के बारे में, अर्थ के जो है, तो जो अब मैं आपको बता देता हूँ कि इंटीरियर ऑफ अर्थ इज मेड अप ऑफ सेवरल कॉन्सेंट्रिक लेयर्स। तो ये कॉन्सेंट्रिक लेयर्स क्या होते हैं, क्रस्ट जो ऊपरी लेयर होता है, उसके बाद आता है आपका मेंटल, और सबसे नीचे आता है आपका आउटर कोर और इनर, ठीक है ना। क्रस्ट क्या होता है, क्रस्ट में क्या क्या मिक्स होता है, क्रस्ट में सबसे ज्यादा होता है सिलिकॉन, ठीक है ना। तो सिलिकॉन ऑक्साइड जो है वो आपका क्रस्ट बनाता है। द क्रस्ट इज सिलिकॉन सॉलिड एंड मेंटल इज विशियस, मतलब विशियस मोल्टन रॉक्स, आउटर कोर इज विशियस मोल्टन लिक्विड एंड इनर कोर इज डेंस सॉलिड, जिसकी वजह से हमारा मैग्नेटिक क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, और अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड जो कि हमें बहुत सारी चीज़ों से बचाती है। मैग्नेटिक फील्ड की क्या क्या फायदे हैं, जो सन की जो फ्लेयर्स होती हैं, जो सन का एक आयनिक फ्लेयर होती है, उससे हमें प्रोटेक्शन देता है, ठीक है ना। तो चलिए आप देखते हैं कहाँ कहाँ से कितने कितने किलोमीटर से जो सोलर विंड होती हैं वहाँ से प्रोटेक्शन देता है हमारा मैग्नेटिक फील्ड, जो कि हमारे कोर से जनरेट होता है। और चीज़ें हैं हमारे जो मेंटली जो अर्थ पर जो लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं उनका जो स्टेट ऑफ मैग्नेटिक्स के प्रति के जो हमारे स्टेट ऑफ है ना, स्टेट ऑफ माइंड टूवर्ड्स आर मैग्नेटिक फील्ड इज क्वाइट बैलेंस, ठीक है ना। अर्थ पर रहते हुए हम लोगों ने बहुत अच्छे से बैलेंस कर रखा है अपने आप को कि हम अपने मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से ढंग से अलाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से चीज़ आती है, काम कहाँ से कहाँ तक, क्रस्ट के हिसाब से क्रस्ट कहाँ से कहाँ तक आता है। क्रस्ट होता है 0 किलोमीटर से लेकर 100 किलोमीटर तक, ठीक है ना। इसमें आता है एथिनोस्फीयर। एथिनोस्फीयर क्या होता है, एथिनोस्फीयर ये आपका क्रस्ट हो गया। मेंटल कहाँ से कहाँ तक आता है, क्रस्ट कहाँ से कहाँ तक आता है आपका, ये रहा आपका क्रस्ट 100 किलोमीटर से लेके, मतलब 100 किलोमीटर तक तो आपका क्रस्ट रहेगा, 100 किलोमीटर से लेके 2900 किलोमीटर तक आपका मेंटल आ जाता है, आउटर कोर, फिर उसके बाद इनर कोर आता है। इनर कोर कितने पर आता है, आउटर कोर कितने पर आता है, 2900 किलोमीटर से लेके 5100 किलोमीटर तक आपका इनर कोर रहता है। तो लगभग आपका जो इनर कोर होता है ये आपका कम से कम आपका 1200 किलोमीटर तक, हाँ 1200 किलोमीटर तक आप समझिए आपका आउटर कोर रहता है। इनर कोर कौन से कहाँ से होता है, 5100 किलोमीटर से लेके 6378 किलोमीटर तक आपका इनर कोर रहता है। आउटर कोर लिक्विड होता है, मेंटल विशियस यानी गाढ़ा लिक्विड होता है, ये आपका लिथोस्फीयर होता है जो कि कुछ 1 किलोमीटर तक ये आपका लिथोस्फीयर एग्जिस्ट करता है। क्रस्ट और अपर मोस्ट सॉलिड मेंटल ये आपका लिथोस्फीयर, मतलब ये आपका क्रस्ट बनाता है, ठीक है ना। इसका एक पिक्चर भी ले लें, इसका एक पिक्चर भी ले लें, ये मैं आपको पिक्चर जो है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, ठीक है ना। तो ये आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने में याद के तौर पर रहेगा। क्रस्ट की थिकनेस कहाँ से कहाँ तक होती है एक बार फिर देख लेते हैं। 0 से 100 किलोमीटर तक आपकी क्रस्ट की थिकनेस होती है, फिर 100 से 2900 किलोमीटर तक आपका मेंटल रहता है, फिर 2900 किलोमीटर से लेकर 5100 किलोमीटर तक आपका आउटर कोर रहता है, और 5100 किलोमीटर से लेके 6378 किलोमीटर तक आपका इनर कोर रहता है, ठीक है ना। अभी जो आपके एग्जाम में आएगा जो
डिग्री में आ सकता है क्वेश्चन, वो इतना ही आ सकता है कितने कितने से कितने किलोमीटर तक आपका एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना। तो इसको आप ढंग से याद रखिएगा। हाँ, मैकेनिकली द अर्थ लेयर कैन बी डिवाइडेड इनटू लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर वो है जो आपके हम लोग लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऊपर जो सरफेस देखते हैं वो आपका लिथोस्फीयर होता है। उसके नीचे एस्थेनोस्फीयर, एस्थेनोस्फीयर कौन सा होता है, जो आपका एस्थेनोस्फीयर वो होता है जो जहाँ तक आपकी माइनिंग जाती है, माइनिंग करते हैं ह्यूमंस। और मेसोस्फीयर मेंटल द पार्ट ऑफ द अर्थ बिलो द लिथोस्फीयर एंड द एस्थेनोस्फीयर। तो मेसोस्फीयर, मेसोस्फीयरिक मेंटल कौन सा होता है, जो आपका लिथोस्फीयर और एनोस्फीयर के बीच में होता है, आउटर कोर और इनर कोर के बीच में रहता है। केमिकली अर्थ कैन बी डिवाइडेड इनटू क्रस्ट, अपर मेंटल, लोअर मेंटल, आउटर कोर और इनर कोर। ये आप ढंग से याद रखिए, क्रस्ट जो ऊपर का होता है, जो लिथोस्फीयर और आपका एनोस्फीयर में डिवाइडेड होता है, अपर मेंटल होता है, लोअर मेंटल होता है, क्योंकि अपर मेंटल लोअर मेंटल इसमें डिस्कंटिन्यूटी तो हम लोग देखेंगे। फिर होगा आउटर कोर और इनर कोर। तो क्रस्ट में क्या क्या आता है, क्रस्ट में आता है आपका 0.5% से लेके 1% तक आपके वॉल्यूम आता है अर्थ के मास का। डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी होती है 2.7 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर से लेके 5.51 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, ये इंक्रीज होता रहता है। थिकनेस ऑफ द क्रस्ट वेरीज इन द रेंज ऑफ 5 से 20 किलोमीटर, मतलब ये है कि 0 से लेके 100 किलोमीटर तक आपकी क्रस्ट एग्जिस्ट करती है। ये हो गया आपका ओशनिक क्रस्ट। ओशनिक क्रस्ट बड़ी पतली लेयर होती है क्योंकि उसके ऊपर ओशन रहता है। और जो आपकी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होती है ये आपकी थोड़ी मोटी होती है क्योंकि उसको वो आपका जो ओशन की वो है ना उसको कवर करना होता है, तो 50 से 70 किलोमीटर तक रहता है। तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कैन बी थिकर इन 70 एरिया, जो ऊपर अगर पहाड़ से चला गया तो वो 100 किलोमीटर तक जा सकता है। तो मोटा मोटी आपके 0 से लेके 100 किलोमीटर तक आपको क्रस्ट एग्जिस्ट करता है, ठीक है। टेम्परेचर इसका रहता है 200 डिग्री से लेके 400 डिग्री तक का आपका क्रस्ट का टेम्परेचर रहता है, ठीक है। और यहाँ पर यह हो गया आपका टेम्परेचर। फिर आपका सेडिमेंट्री मटेरियल्स आपको आपकी इग्नियस रॉक्स होती हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स होती हैं। मेटामॉर्फिक रॉक्स और इग्नियस रॉक्स आपकी एसिडिक होती हैं नेचर में। लोअर लेयर ऑफ द क्रस्ट कंसिस्ट ऑफ बेसाल्टिक एंड अल्ट्रा बेसिक रॉक। बेसाल्टिक रॉक आपकी जो नीचे वाला क्रस्ट का मैटर होता है ना, जो आपका 70 to 80 किलोमीटर का एरिया होता है वहाँ पर बेसाल्टिक रॉक्स होते हैं, ठीक है। और सिलिका और एल्यूमिनियम का कंपोजिशन होता है। और जो ओशन में होता है, ओशन में सिलिका और मैग्नीशियम का कंपोजिशन सबसे ज़्यादा मिलता है। सिलिका और एल्यूमिनियम कंपोजिशन को हम सियाल बोलते हैं, ये आपके कॉन्टिनेंट में एग्जिस्ट करता है। और सीमा जो है सिलिका और मैग्नीशियम का जो कंपोजिशन होता है ये आपका ओशन में ओशनिक उसमें लाइक करता है। द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज कम्पोज ऑफ लाइटर सोडियम पोटेशियम एल्यूमिनियम सिलिकेट रॉक्स लाइक ग्रेनाइट। तो यही है इसमें कि सेडिमेंट्री रॉक्स एग्जिस्ट करती हैं आपकी, इग्नियस रॉक्स एग्जिस्ट करती हैं और मेटामॉर्फिक रॉक्स एग्जिस्ट करती हैं। और जो आपकी जो दूसरी तरह की रॉक्स होती हैं बेसाल्टिक रॉक्स होती है, वो 60 to 70 किलोमीटर यानी आयरन और मैग्नीशियम की बनी होती है बेसाल्टिक रॉक्स बेसिकली, ठीक है ना। तो ये भी कॉम्पोजिशन आप ध्यान में रखिएगा अपना, ठीक है। चलिए हाँ, ये हो गया आपका। अब हम देखते हैं ऑक्सीजन की कितनी वो रहती है। ऑक्सीजन की जो आपकी मात्रा रहती है 46.6 है, ये क्रस्ट में एग्जिस्ट करते हैं सिलिकॉन पट्टी। तो आप ये देख रहे हैं कि ऑक्सीजन जो है ये अपना अलग एक सिंगल मेटल है, ये सिंगल एलिमेंट है जो सबसे ज़्यादा अर्थ क्रस्ट में एग्जिस्ट करता है, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन एग्जिस्ट करता है। उसके बाद सिलिकॉन आता है, उसके बाद एल्यूमिनियम आता है, उसके बाद आयरन आता है, कैल्शियम आता है और सोडियम आता है। कभी कभी वन लाइनर क्वेश्चन में ये भी डाल दिया जाता है, ठीक है ना। ये आपका डिवीजन है, इसका भी एक पिक्चर ले लें आप, ठीक है ना, इसका भी एक पिक्चर ले लें आप। ये ऑक्सीजन के 46.6%
ये अर्थ के उसमें क्रस्ट में यहाँ पे एग्जिस्ट करता है आयरन होता है 5%, एल्यूमिनियम होता है 8.1%, सोडियम होता है 2.8, कैल्शियम होता है 3.6, ठीक है ना। ये सारी पिक्चर्स मैं आपकी डाल दूंगा आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। अब केमिकल कंपोजिशन देख लीजिए, ये केमिकल कंपोजिशन यही है आपका, आयरन का देख रहे हैं आप, ऑक्सीजन का देख रहे हैं आप, ठीक है ना। कौन कौन से रिएक्शन करते हैं, सबसे ज्यादा आयरन और ऑक्सीजन का रिएक्शन होता है, ठीक है, ये आपको केमिकली सबसे ज्यादा कंपोजिशन होता है। उसके बाद आपका आयरन और ऑक्सीजन का सॉरी सिलिकॉन और ऑक्सीजन का आता है, ठीक है। चलिए अबंडेंट कौन सा होता है, अबंडेंट आता है आपका ऑक्सीजन, सिलिकॉन, कैल्शियम, आयरन और एल्यूमिनियम। आयरन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन ये सबसे ज्यादा। अब आती है सबसे इम्पोर्टेंट आपकी मोहो डिसकंटिन्यूटी। तो जो पहली डिसकंटिन्यूटी आई वो होती है मोहो डिसकंटिन्यूटी। तो जो मोहो डिसकंटिन्यूटी होती है ये क्रस्ट और एटमॉस्फेयर में मोहो ये पहले में एग्जिस्ट करती है। मोहो डिसकंटिन्यूटी आपके क्रस्ट में, क्रस्ट से लेके आपके इनर क्रस्ट होगा उसमें आपकी मोहो डिसकंटिन्यूटी एग्जिस्ट करती है। ये 8 किलोमीटर जो आपका 40 किलोमीटर से शुरू हो जाती है। तो इसकी क्वांटिटी कहाँ से रहती है, 40 से लेके 100 किलोमीटर तक ये मोहो क्वांटिटी एग्जिस्ट करती है, जहाँ पर आयरन के जो बेसाल्टिक रॉक होते हैं यहाँ पर ये मोहो क्वांटिटी बेसाल्टिक रॉक्स पर ये एग्जिस्ट करती है, ठीक है ना। अब डिसकंटिन्यूटी होती क्या, डिसकंटिन्यूटी वो होती है कि आपके जो प्लेट्स में है ना, प्लेट्स में थोड़ा दिक्कत होती है, तो वो जो प्लेट्स की दिक्कत होती है जो अंतर होता है, डिसकंटिन्यूटी का मतलब है अंतर, एक क्रस्ट के बीच में, क्रस्ट में ही मोहो डिसकंटिन्यूटी होती है, यानी डिफरेंस हो जाता है, गैप हो जाता है। तो ये आपके बेसाल्टिक रॉक्स में और सेडिमेंट्री रॉक जो ऊपर इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स होती हैं उनके बीच में, बेसाल्टिक रॉक्स के बीच में, उन रॉक्स के बीच में और बेसाल्टिक रॉक्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है, वो मोहो डिसकंटिन्यूटी कंटिन्यूटी कहलाता है, ठीक है ना। ये वही आ गया कि यहाँ पर क्रस्ट और अपर पार्ट ऑफ द मेंटल, यानी क्रस्ट और अपर पार्ट ऑफ द मेंटल। मैंने आपको बताया था कि मेंटल के दो पार्ट होते हैं, अपर और लोअर मेंटल। जो अगला जो हमारी डिसकंटिन्यूटी होगी वो अपर मेंटल से लेके आउटर कोर तक जाएगी, ठीक है ना। ये टेक्टोनिक प्लेट यहीं पर, ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती है ना, जो हमारी 7 तरह की टेक्टोनिक प्लेट्स हैं जो आपके पैसिफिक ओशन में लाइव करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, वो सब मोहो डिसकंटिन्यूटी के अंदर में आ जाती हैं। और क्या होता था, सोर्स ऑफ हीटिंग दैट ड्राइव्स प्लेट टेक्टोनिक्स द प्राइमोडियल हीट लेफ्ट ओवर द अबाउट द। तो ये आपकी डिसकंटिन्यूटी कहाँ पर आती है, कि ये होती किस वजह से, कि भाई आपका जो यूरेनियम है, थोरियम है और जो पोटेशियम है अर्थ के उसमें मेंटल में, जो अर्थ के अपर मेंटल में है, वो डिके होता है, वो रिएक्शन करता है, और उसके कारण क्या होता है, हीट और एनर्जी रिलीज होती है, जिसकी वजह से डिसकंटिन्यूटी आती है, जिसको हम बोलते हैं मोहो डिसकंटिन्यूटी, ठीक है ना। अब मेंटल में देख लेते हैं कि मेंटल में कैसे कैसे रहता है। मेंटल फॉर्म्स द 83% ऑफ अर्थ वॉल्यूम, 67% ऑफ अर्थ मास। इट एक्सटेंड फ्रॉम मोहो डिसकंटिन्यूटी फ्रॉम 2900 किलोमीटर। इसमें डेंसिटी होती है 2.9 ग्राम पर क्यूबिक, 3.3 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। लोअर मेंटल एक्सटेंड बियॉन्ड द एस्थिमोस्फीयर इज अ सॉलिड स्टेट। डेंसिटी यहाँ पर जो लोअर मेंटल में यहाँ पर 3.3 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर से 5.7 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर आता है लोअर मेंटल में। यहाँ पर रॉक्सी फॉर्मेशन देख लेते हैं। यहाँ पर आयरन और मैग्नीशियम में सबसे ज़्यादा रॉक रिच रहती है, रॉक्स आपकी, ठीक है ना। यहाँ पर सबसे
सबसे ज्यादा जैसे हमने देखा था कि वहाँ पर सीमा एग्जिस्ट करता सिलिकॉन और मैग्नीशियम या सिलिकॉन और एल्यूमिनियम, यहाँ पर रिचनेस होती जो ग्लेशियर फॉर्मेशन होती है वो होती है ऑक्सीजन सिलिकॉन और मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम एक वाइटल रोल प्ले करता है अपर मेंटल में और लोअर मेंटल में मैग्नीशियम एक वाइटल रोल प्ले करता है। और इसकी जो हमने देखा था ऊपर हमने क्या देखा था, हमने ये देखा था कि जो आपकी जो टेम्परेचर रेंज होती है वो 200 किलोमीटर टू 400 किलोमीटर जाती है आपके कोर क्रस्ट में, 200 किलोमीटर टू 400 किलोमीटर आपके क्रस्ट में जाती है। और जो आपका जो मेंटल होगा, मेंटल की रेंज जाती है 200 किलोमीटर से लेके 4000 किलोमीटर आपकी मेंटल की जो रेंज जाती है, टेम्परेचर की जो रेंज जाती है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर मोहो डिस्कंटिन्यूटी जो आपकी किस में एग्जिस्ट करती थी, मोहो डिस्कंटिन्यूटी आपकी क्रस्ट से लेकर अपर मेंटल तक एग्जिस्ट करती थी। अब हम देखेंगे कि अपर मेंटल से लेकर लोअर मेंटल तक ये डिस्कंटिन्यूटी बोलते हैं उसको, क्या डिस्कंटिन्यूटी क्या कहलाती है, ठीक है ना। हाँ, ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जैसे कैसे आपका हाई प्रेशर रहेगा और आपका तो मैंने डाल दिया था, वो मैंने आपको बता दिया। आउटर कोर मैंने बताया था आपको, मैं अभी बताता हूँ। मैंने एक जगह ही डाल रखी सारी डिस्कंटिन्यूटी, उसको भी देख लेते हैं, थोड़ा आउटर कोर को भी देख लेते हैं। आउटर कोर सराउंडिंग द इनर कोर लाइज बिटवीन 2900 किलोमीटर टू 5100 किलोमीटर, ठीक है ना। ये लोअर मेंटल से लेके आपके जो आउटर कोर तक का एरिया है, इसमें आपका 20 किलोमीटर रेंज में आपका आउटर कोर आता है, निफी होता है, निकॉल और आयरन होता है, सेमी सॉलिड रहता है, इसमें लिक्विड रहता है 9.9 ग्राम पर क्यूबिक मीटर टू 12.2 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है ना। ये एग्जिस्ट करता है, हर टेम्परेचर में थोड़ा बढ़ जाती है आपके इनर मेंटल से थोड़ा बढ़ जाती है। यहाँ पर 4400 डिग्री सेल्सियस आपका से लेकर आपकी 6000 डिग्री सेल्सियस आपका टेम्परेचर रहता है और बहुत ही ज़्यादा प्रेशराइज रहता है। अब यहाँ पर ये कहता है कि कन्वेक्शन ऑफ द आउटर कोर कोरोलिस फोर्स होता है, कोरोलिस बल होता है जो कि रोटेशन से मिलता है अर्थ को, तो इसके कारण आउटर जो इनर तो क्या होता है सेमी सॉलिड होता है, लेकिन कोरोलिस फोर्स के कारण वो जो आउटर कोर होता है उसमें जो लिक्विड फ्लो करता है उसके कारण आपकी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, ठीक है ना। फिर हम इनर कोर को देख लेते हैं जो कि कहाँ से है। इनर कोर जो बना है ऐसी निफी से बना है, 5100 किलोमीटर से लेकर 6378 किलोमीटर तक आपका इनर कोर आ जाता है। Since this layer can transmit shear waves, transversely waves, जो S waves होती हैं जिनको हम बोलते हैं secondary waves होती हैं, वो आपके यहीं से generate होती हैं, ठीक है ना। The inner core rotates slightly faster than its surface. Inner core होता है वो बड़ा तेजी से rotate करता है, outer core का आउट करता ही है। इसकी जो डेंसिटी होती है वो 12.6 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर से लेकर 13 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर तक है, ठीक है। ये अर्थ का मास 33% ऑफ द अर्थ मास करता है और इसकी जो रेंज होती है ये होती है 6000 सेंटीग्रेड से लेकर 10000 सेंटीग्रेड तक इसकी रेंज होती है, ठीक है ना। तक या सबसे जितनी इसमें हॉटनेस होती है, बट द क्रशिंग प्रेशर कॉज बाय द ग्रेविटी प्रिवेंट्स इट टू बिकम, इसमें जो प्रेशर होता है इतना इसमें इंटेंस प्रेशर होता है कि ये इसको लिक्विड नहीं करता होता और टेम्परेचर हाई करता है। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से डिस्कंटिन्यूटी, मोहो डिस्कंटिन्यूटी हमने देखी थी कि क्रस्ट से लेकर मेंटल तक, आउटर मेंटल तक आपकी मोहो डिस्कंटिन्यूटी होती है। फिर होती है एस्थेनोस्फीयर जो कि हाईली विस्कस, इसके अंडर में एस्थेनोस्फीयर आता है, विस्कस होता है,
एक होता है डक्टाइल पार्ट ऑफ द मेंटल होता है। गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी आप एग्जिस्ट करता है आपके आउटर मेंटल से लेकर आउटर कोर तक। गुटेनबर्ग आपको कहाँ से कहाँ तक एग्जिस्ट करता है, आउटर मेंटल से लेकर आउटर कोर तक आपका गुटेनबर्ग एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना। ये CONORD discontinuity एग्जिस्ट करती है, CONORD discontinuity आपके क्रस्ट में एग्जिस्ट करती है, Moho discontinuity उसके बाद आती है, उसके बाद Moho discontinuity कहाँ कहाँ एग्जिस्ट करती है, सीमा SIMA सीमा से लेकर अपर मेंटल तक आपकी Moho discontinuity एग्जिस्ट करती है, CONORD discontinuity आपकी सियाल में एग्जिस्ट करती है, ठीक है ना। और उसके बाद आपकी कौन सी discontinuity आती है, Repetti discontinuity, यह आपके अपर जो अपर मेंटल से लेकर आपके लोअर सॉरी आउटर मेंटल तक आपकी Repetti discontinuity आती है। फिर आपका क्या आता है, Guttenberg discontinuity आउटर मेंटल से लेकर आउटर कोर तक आपकी Guttenberg discontinuity आती है। लेकिन जो इनर कोर में आती है, जो आउटर कोर से लेकर इनर कोर में आती है, कौन कौन सी आती है, Lehmann discontinuity जो कि आपकी बैलोस्फीयर में एग्जिस्ट करती है। तो आपको कौन सी होती है, आपकी होती है CONORD discontinuity, CONORD उसके बाद आके आपको Moho, फिर आपकी आपकी Guttenberg, फिर आपकी आपकी Repetti, ठीक है ना, Repetti और फिर आपकी Lehmann, बाद आती है आपकी Repetti discontinuity, आपकी Moho के बाद आपकी Repetti discontinuity आती है, Moho के बाद आपकी Repetti discontinuity आती है, ठीक है ना। उसके बाद आपकी आपकी Guttenberg, फिर आती है आपकी Lehmann, ठीक है ना। ये है, अब आप इसको सी M R G L इस तरह से आप याद कर सकते हैं, C M R G L ये आपका बन जाएगा, C M R G L, ठीक है ना। ये आपको लर्न करने का तरीका होता है, C M R G L, C M R C M ले लिए, C M R G L, ठीक है ना। CONORD, Moho, Repetti, Repetti, फिर Guttenberg, फिर ऑपरेटिव देना, ठीक है ना। CMRGL ये आप हमेशा याद रखिए, CMRGL, ठीक है। ये आपको ऊपर दिखा रखा है कि CONORD discontinuity कहाँ से कहाँ तक एग्जिस्ट करती है, ये देख रहे हैं आप, कॉन्टिनेंटल एरिया ये पहाड़ी एरिया अपर क्रस्ट है, ये आपका ओशनिक है। तो जो Moho discontinuity क्वान्टिटी होती है, ये देख रहे हैं आप, ये यहाँ पर कॉन्टिनेंट है, यहाँ पर जो भी आपके अर्थक्वेक वगैरह आते हैं वो CONORD discontinuity के वजह से आते हैं, और Moho discontinuity ये आपके जो आपका जो टेक्टोनिक प्लेट्स है वो Moho discontinuity की वजह से आता है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका अर्थ क्रस्ट करता है, Moho discontinuity अर्थ के का जो भी एक है तो ओशनिक एरिया है, ये यहाँ पर ज़्यादा डिस्कॉन्टिटी Moho discontinuity की ज़्यादा चांसेस होते हैं, और CONORD जो डिस्कॉन्टिटी होती है। लेकिन पहले तो आप देख रहे हैं कि ये जो रेड लाइन है ये डिनोट कर रही है, ये ओशनिक नीचे की ओशनिक क्रस्ट के आसपास भी देख रहे हैं आप इसे। तो ये कहना बहुत मुश्किल है कि कौन सी डिस्कॉन्टिटी वाइज है, लेकिन Moho discontinuity की अपना वाइटल रोल प्ले करती है, ठीक है ना। चलिए यही मैंने आपको पढ़ाने के लिए आपके लिए ये सब चीज़ें दी थी, ठीक है ना। तो यही है आपके चैप्टर में डिस्कॉन्टिन्यूटी के इसमें, अगला जो चीज आएगी वो आएगी आपके मुगल एम्परर में क्या क्या चीज़ थी, मुगल एम्परर को किस तरह क्या क्या चीज़ थी उनके समय में, उनके टाइम में कौन कौन से उसने
CMR ये लिए हमेशा आप याद रखिएगा और चैनल के साथ बने रहिए, कंटिन्यू रहिए और पढ़ते रहिए।